चलिए हमारा गैसियस स्टेट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ज़रा समझते हैं कैसे गैसेस को लिक्विफिकेशन करते हैं। तो हम ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको समझने के लिए मैं साइड में बना रही हूँ कि हमने किसी भी कंटेनर को, आपको खुद ही पता होना चाहिए, अगर आपको किसी भी गैस को क्या करना है, लिक्विफाई करना है। गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, बट आपको उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं एज कम्पेयर टू द गैस। गैस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, यू शुड इंक्रीज द प्रेशर। और अगर हम टेम्परेचर का कंडीशन देखें तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर भागते रहेंगे और वो लिक्विफाई नहीं होंगे। तो आपको टेम्परेचर क्या करना है, कम रखना है, और प्रेशर क्या रखना है, हाई करना है। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब हम गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं, मान लीजिए आपने किसी भी कंटेनर में एक गैस ली, ठीक है, एक गैस ली और इसका वॉल्यूम कुछ, इस गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ठीक है, ये इस कंटेनर में पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने इस पर एक पिस्टन लगा दी ऊपर, पिस्टन जो कि वेट लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है किस पे, गैस के मॉलिक्यूल्स पे। गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने पिस्टन लगा दी। अब हम जो ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ बॉयल्स ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। आप सब लोगों को पता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, इफ़ यू विल इंक्रीज द प्रेशर देन वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पे देखते हैं। अब हम इस ग्राफ से स्टार्ट करते हैं जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, दैट इज 13.1, उसके ऊपर 21.5, उसके ऊपर आपका 30.98, यहाँ पर है 31.1, और यहाँ पर है आपका 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो आप, हम इस ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, जो ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, ये वॉल्यूम की एक्सेस है, ये प्रेशर की एक्सेस है। आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हो रहा है कम। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, जब आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने के बाद मान लीजिए आपकी जो पिस्टन है वो इस पोजीशन तक मूव कर गई, और अब यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने अपना एक्चुअल वॉल्यूम क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। उसने अपना क्या किया, एक्चुअल वॉल्यूम, मतलब इतना वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर रही थी, ठीक है। पहले तो उसका टोटल वॉल्यूम था, आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम होता गया, और इस पॉइंट पर पहुंचा कि जब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अगर आप फर्दर प्रेशर को बढ़ाओगे देन इट विल चेंज द फेज ऑफ द गैस, गैस की फेज को चेंज करेगा, यानी कि वो सॉलिड जो है, जो आपकी गैस है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी। आपको समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहले आपका क्या हुआ, वॉल्यूम आपने कम, प्रेशर बढ़ाया, आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, आपका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये जो ग्राफ है ये सीधा जा रहा है, यानी कि ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो लाइन है आपकी सीधी जा रही है। क्यों जा रही है, क्यों, क्योंकि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाने पे आपका जो वॉल्यूम है वो, उसमें तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, बट दैट प्रेशर, वो प्रेशर क्या कर रहा है, उसके फेज को चेंज कर रहा है, यानी कि यहां से यहां तक, ठीक है, आपका क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, यानी कि लिक्विड जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। एंड दीज टू फेजेस एग्जिस्ट टुगेदर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इस पर्टिकुलर रीजन में आपकी दोनों क्या होंगी, एग्जिस्ट करेंगी। समझ में आ रही बात। अगर आप और प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वो उसका क्या कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है, यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस पर, अब जब पूरा लिक्विड, जब वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो अब लिक्विड का तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ऐसा तो है नहीं कि लिक्विड को आप दबाते जाओगे तो उसका वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप फर्दर प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड दिस विल रिमेन ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलेगा। समझ में आ गया। तो आपका यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, गैस, यहाँ पे लिक्विड और गैस क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिक्विड ही मिलेगा। क्लियर हुआ। सो दिस कर्व रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड और गैस है, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो ग्राफ है जो येलो लाइन से बना हुआ, दैट इज ये जो ग्राफ है ये हमने प्लॉट किया है किस पे, 21.5 डिग्री सेल्सियस पे। इन पूरी लाइन पे टेम्परेचर क्या रहा है, सेम रहा है।
21.5 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आता है जिससे ये जो डिस्टेंस है जो इस पर्टिकुलर लाइन की जिसमें लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे थे वो क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ग्राफ कुछ ऐसे गया। आपने और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया, दैट इज 30.98 अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, कर्व कुछ ऐसे जा रहा है। अगर आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो 31.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस पॉइंट के बाद तो ये गैस यहाँ पे सिर्फ ये जो लाइन थी ये एक पॉइंट में मर्ज हो गई है, ये एक पॉइंट में मर्ज हो गया। अगर आपने और टेम्परेचर बढ़ाया 31.1 डिग्री सेल्सियस तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी गैस लिक्विफाई ही नहीं हो रही। ठीक है, और अगर आपने और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका 50 डिग्री सेल्सियस पे चाहे प्रेशर कितना भी ज़्यादा हो, प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, चाहे प्रेशर कितना भी ज़्यादा हो लेकिन आपकी गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो पिंक लाइन से बनाया हुआ, यानी कि जो टेम्परेचर है आपका 30.98, ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है या हम कह सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर है जिसके अबव जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं हो रही। समझ में आ रही है बात, उसके ऊपर जो जाके गैस लिक्विफाई नहीं होगी चाहे प्रेशर आपका कितना भी ज़्यादा हो। अगर आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो आपकी गैस लिक्विफाई नहीं होगी, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम TC से डिनोट करते हैं, दैट इज 30.98। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर, वो हाइएस्ट टेम्परेचर जिसपे हमें क्या मिलती है, किसी भी गैस की जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसकी फर्स्ट ड्रॉप मिलती है, दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी प्रेशर होता है दैट इज क्रिटिकल प्रेशर, दैट इज PC। समझ में आइए, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का वो ही क्या होता है आपका क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। किसी भी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। ओके, तो ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है गैशियस स्टेट, ए पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द गैशियस स्टेट, डी इज रिप्रेजेंटिंग द लिक्विड स्टेट, डी पे ये इस वाले रीजन में हमें क्या मिल रहा है लिक्विड स्टेट, एंड एरिया ये जो पूरा एरिया है ये जो मैंने बनाया हुआ है इसमें क्या मिल रहा है हमें, इसमें एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स को एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम। ये जो एंड्रयूज एक साइंटिस्ट है उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्लॉट किया था क्या, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन, यानी कि जो ग्राफ प्लॉट किया था किसके लिए किया था, कार्बन डाइऑक्साइड में, और उन्होंने बोला था कि सारी गैसेस इसी तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, तो आपकी आप देख रहे हो कि अगर प्रेशर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ा लो। ठीक है, तो यहाँ ये जो लाइन्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि लिक्विफिकेशन हो रहा है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो आपकी गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है। समझ में आ गया आपको, ये था हमारा क्या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। रियल गैस बिहेव इन द सेम मैनर एज कार्बन डाइऑक्साइड, रियल गैस सेम मैनर में बिहेव करती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने लग जाते हो तो आपकी जो गैस है वो एक्चुअली किसको फॉलो करने लग जाती है, बॉयल्स लॉ को फॉलो करने जाती है। बॉयल्स का ग्राफ यही तो आया था, तो अगर आप या हम कह सकते हैं आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है कब, हायर टेम्परेचर पर। रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन ये है कि अमोनिया, मैं ये क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ, अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर, अमोनिया का है 405.5 केल्विन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है 304.10 केल्विन। ठीक है, आपसे कहा ये इनके क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब इनको कूल किया जाता है कब, 500 केल्विन से, तो कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विफाई होगी। जब आप इन्हें कूल कर रहे हो 500 केल्विन से तो कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विफाई होगी। ठीक है, तो सब जब हम 500 से कूलिंग करना शुरू करेंगे, जब हम कूलिंग करना शुरू करते हैं तभी तो हमारी गैस लिक्विफाई होती है। जब आप 500 से कूल करना शुरू करोगे सबसे पहला टेम्परेचर आपका कौन सा मिलेगा, 405 सबसे पहला मिलेगा। ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी। जबकि अगर आप 500 से आओगे तो 304 जो होगा वो 400 क्रॉस करके मिलेगा आपको। ठीक है, तो अमोनिया विल लिक्विफाई फर्स्ट, ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अमोनिया क्या होगा, अमोनिया ही
लिक्विफाई हो गई पहले. क्यों? क्योंकि इसका 405 टेम्परेचर, इसका ज़्यादा टेम्परेचर है, और ये जब हम 500 से आएंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, 405 मिलेगा. इसलिए दिस गैस विल लिक्विफाई फर्स्ट. ठीक है, तो ये था हमारा लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, जो कि लास्ट टॉपिक था गैशियस स्टेट का. अब हम थोड़ा सा आपका क्या है लिक्विड स्टेट के बारे में, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये तीन चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और आपके सिलेबस में भी है. तो हम लिक्विड स्टेट की इन तीनों चीज़ों के बारे में और डिस्कस करेंगे, देन वील बी डन विद दिस चैप्टर. तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का कर्व बहुत ध्यान से बनाना, क्या है क्या नहीं है, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर, व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, और कैसे हर एक पर्टिकुलर रीजन आपसे ग्राफ देके पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में हमें कौन सी स्टेट मिलेगी गैस की, गैस फेज मिलेगी, इस पर्टिकुलर रीजन में लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इस पर्टिकुलर रीजन में हमें लिक्विड मिलेगा. ठीक है, तो आपसे ग्राफ देके भी ये पूछा जा सकता है, तो आप इसे लिख लीजिए, नहीं तो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ लिक्विड स्टेट. तो लिक्विड स्टेट, आप सब लोगों को पता है लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैशियस स्टेट. लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड द गैसेस. सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, गैसेस में सबसे वीक होती है. इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन लिक्विड स्टेट में सॉलिड से. तो क्या होती है लिक्विड स्टेट में, सॉलिड से कम होती है, बट किससे ज़्यादा होती है आपकी, कम होती है किससे, गैशियस स्टेट. समझ में आ गई? ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे कम होती है, सॉलिड स्टेट से कम होती है, लेकिन आपकी क्या होती है, गैशियस स्टेट से ज्यादा होती है. ये ऐसे जाएगा. ठीक है, लिक्विड स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लिक्विड स्टेट से, लेकिन गैसेस में तो कम होती है, तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से ज़्यादा होती है. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जिनमें हमें तीन प्रॉपर्टीज़ डिटेल में पढ़नी है, दैट इज़ अ वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड द विस्कोसिटी. सबसे पहली बात करते हैं वॉल्यूम की. आप सब लोगों को पता है गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन लिक्विड्स का फिक्स वॉल्यूम होता है. सो दे हैव फिक्स वॉल्यूम, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. ऐसा तो नहीं है कि आपका जिस भी कंटेनर में फिल करते हो, चाहे उसकी शेप जैसी भी हो, वॉल्यूम तो उतना ही रहता है. मान लो 20 ml, तो 20 ml ही रहता है. ठीक है, अगर हम शेप की बात करें, सेकेंड पॉइंट, अगर हम शेप की बात करें तो इनकी क्या शेप फिक्स होती है? नो, दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड शेप. दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप. ओके, अगर थर्ड प्रॉपर्टी डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी, तो डेंसिटी किससे ज़्यादा होती है इनकी? दे हैव मोर डेंसिटी कंपेयर टू गैसेस, क्योंकि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं. सो दे आर मोर डेंस कंपेयर्ड टू गैसेस. और क्यों होता है ऐसा? गैसेस से ज़्यादा डेंस क्यों होती हैं? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर. इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है, बट गैसेस से तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज हैं. ठीक है, थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी अगर पूछा जाए आपसे, तो कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल. गैस से क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं. दे रेजिस्ट कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को रेजिस्ट करते हैं. क्यों होता है? दे आर लेस कंप्रेसिबल कंपेयर टू गैसेस. गैसेस से कम क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन लिक्विड्स में आप लोगों को पता है इवेपोरेशन. हम कपड़े सुखाते हैं, ड्राई हो जाते हैं वो, है ना? तो इवेपोरेशन क्या होती है? कि सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका एस्केप आउट कर जाना एनवायरनमेंट में एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एस्केप कर जाते हैं, लीविंग द सरफेस कूल.
उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं किसके लिए, लिक्विड स्टेट के लिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल, दैट इज अ वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर? आप लोगों को पता है, किसी भी क्लोज कंटेनर में अगर आपका कोई भी लिक्विड रखा हुआ है, लेट्स से वाटर रखा हुआ है, तो आप देखते हो ना, जब उसका जो भी लिड होती है उसके ऊपर आपके वाटर वेपर्स दिखते हैं आपको, जैसे आप ढक के किसी भी आप ढक के रख देते हो, जैसे किसी भी मग में आपने पानी को ढक के रख दिया, तो आपको मिलते हैं वेपर्स मिल जाते हैं किस पे, उसके ढक्कन पे आपको वेपर्स देखने को मिलते हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वेपराइजेशन हो रहा है। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर एक्चुअली, दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं किससे, वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर वॉट इज वेपर प्रेशर? अगर आप किसी भी ओपन कंटेनर में किसी भी लिक्विड को रखोगे, तो आपको पता है जो वेपर्स बनेंगे वो सर्फ या इन्वायरमेंट में एस्केप आउट कर जाएंगे, ठीक है? तो वेपर प्रेशर तो होगा नहीं, क्योंकि वो एस्केप आउट कर गए। तो अब हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं किसी भी क्लोज कंटेनर में। किसी भी क्लोज कंटेनर में अगर आपने किसी को लिक्विड को रखा है, ठीक है, अगर आपने किसी भी क्लोज कंटेनर में लिक्विड को रखा है, तो क्या होता है, initially what will happen is that the molecules from the surface, जो molecules हैं वो आपके room temperature पर vaporize होना शुरू होते हैं, vaporize होना शुरू होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि जो rate of evaporation, vaporization होगा वो initially क्या होगा, ज़्यादा होगा, और molecules यहाँ जाएंगे, okay? वेपर्स यानी कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी लेके आपके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, और किसकी तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द कंटेनर जाएंगे। जब वो रैंडम मोशन में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, रैंडम मोशन में जाएंगे और किसी जिस भी कंटेनर में आपने उसको फिल करके रखा है उसकी वॉल को हिट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये वेपर्स यहाँ जाएंगे तो ये वापस यहाँ, इनिशियली क्या हो रहा था, आपके नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स थे वो ज़्यादा थे जाने के लिए, जब ये वापस वहाँ जाएंगे तो वहाँ का एनवायरमेंट ठंडा है, और वापस से क्या करेंगे, वापस से रिटर्न बैक करेंगे कहाँ पर, आपके लिक्विड के सरफेस पर। मैं यहाँ इन्हें कलर्ड से बना देती हूँ। वापस से क्या करेंगे, रिटर्न बैक करेंगे लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पे वापस से क्या करेंगे, रिटर्न बैक करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है इनिशियली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो कि वेपर फेज में जा रहे थे, दैट वर मोर। अब इनिशियली यही होगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा रहे हैं वो ज्यादा हैं, और जो ऊपर से आ रहे हैं वो कम है। बट आफ्टर अ टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा किसके बीच में, आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं वेपर फेज में जा रहे हैं, उतने मॉलिक्यूल्स वापस से कंडेंस बैक होके लिक्विड के सरफेस पर गिर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन will be equals to rate of condensation, rate of condensation, rate of evaporation, rate of condensation के equal होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम अटेन होने पे जो भी वेपर प्रेशर लग रहा है कहाँ पे, आपकी कंटेनर की वॉल पे या फिर लिक्विड के सरफेस पे, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ओके। अगर आपकी जो भी प्रेशर लग रहा है किस पे, कंटेनर की वॉल पे या फिर लिक्विड के सरफेस पे, उसी पर्टिकुलर प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, और ये हम इक्विलिब्रियम पे ही कैलकुलेट करते हैं वेपर प्रेशर किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का। क्लियर हो रहा है आपको? अब ये वेपर प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, है ना। नाउ द फैक्टर्स दैट गवर्न द वेपर प्रेशर इज द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, फर्स्ट वन क्या है आपका, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स जो वेपर फेज में जाएंगे वो ज़्यादा जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई है, एनर्जी मिल गई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फेज में जाएंगे, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड वन है अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल के बीच में
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वीक. अगर वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल्स इजिली एस्केप कर सकते हैं, वेपर फेज में जा सकते हैं, तो वेपर प्रेशर विल बी मोर. अगर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्या है, कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो वेपर फेज में बहुत कम जाने देगा. ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, वेपर प्रेशर. अब हम सेकेंड मूव करते हैं किसकी तरफ, सरफेस टेंशन की तरफ. आप इसे नोट कीजिए, जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं हम सरफेस टेंशन की तरफ मूव करते हैं. दैट इज द सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड दैट वी हैव टू डिस्कस. उसके बाद हमें विस्कोसिटी डिस्कस करना है एंड द चैप्टर विल बी ओवर. अच्छा, वेपर प्रेशर के बाद एक और टॉपिक है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. ये हमने स्किप कर दिया था. बॉइलिंग पॉइंट आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कब लिक्विड्स का, कि बॉइलिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो. है ना, अगर आपने किसी भी लिक्विड को लिया हुआ है किसी भी कंटेनर में, ओपन कंटेनर में, तो आपका क्या होगा, ओपन कंटेनर में आपने लिक्विड को लिया, आपने बॉयल करना शुरू किया, यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा. वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स एस्केप करना शुरू होंगे. ठीक है, ये यहीं पे आपने क्या लिया हुआ, लिक्विड लिया हुआ है, इसको आपने बॉयल करना शुरू किया यानी कि हीट करना शुरू किया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप करना शुरू करते हैं. और अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाने लग जाते हो, ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल, और एक पॉइंट ऐसा आता है अगर आपने इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया कि जो वेपर प्रेशर है आपके लिक्विड का, ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है किससे, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, अब आप इसे और इस पर्टिकुलर कंडीशन में यानी कि और ज़्यादा हीट करते हो तो क्या होता है, एक स्टेज आ जाती है जब नॉट ओनली द सरफेस पार्टिकल्स आर एस्केपिंग आउट, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स ही नहीं एस्केप कर रहे हैं, बट द मॉलिक्यूल्स दैट आर इन द बल्क में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑल्सो एस्केपिंग, दे आर ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी एंड दे आर एस्केपिंग आउट. इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वॉट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है, अब अगर आपका जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए 1 एटमॉस्फेयर के, तो हम उसको कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या कब होता है, जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर, when the vapor pressure of the liquid becomes equal to 1 atmosphere. अगर 1 atmosphere के इक्वल हो जाता है तो हम उसे कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. ओके, और अगर एक होता है स्टैंडर्ड बीपी. ठीक है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, अगर जो प्रेशर है वो 1 atmosphere की जगह क्या हो जाए, 1 bar हो जाए, तो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. इफ प्रेशर इज 1 bar, प्रेशर इज 1 bar, तो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो आप लोगों को पता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी कि आप किसी भी लिक्विड को लोअर टेम्परेचर पे बॉइल कर सकते हो. कब, जब आप प्रेशर को कम कर दो. ठीक है, अ लिक्विड इज मेड टू बी बॉइल्ड एट लोअर टेम्परेचर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर. और अगर आपको हाई टेम्परेचर पे बॉइल कराना है तो आप उसका प्रेशर बढ़ा दीजिए, क्योंकि बॉइल तो तभी होगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये था हमारा क्या, बॉइलिंग पॉइंट का. सरफेस टेंशन क्या होता है, आपने देखा होगा कभी भी आप लिक्विड फ्लोर पे गिर जाए, है ना, तो उस लिक्विड की क्या बन जाती है, ड्रॉप्स बन जाती है, स्फेयर की फॉर्म में ड्रॉप्स बन जाते हैं. क्यों होता है ऐसा, कि वो लिक्विड क्या कर रहा है, अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, छोटी छोटी ड्रॉप्स बना लेता है, किसकी फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में. तो क्यों बनाता है ऐसा, वाई द लिक्विड इज ट्राइंग टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ये एक्सप्लेन करता है सरफेस टेंशन. अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपने कोई भी कंटेनर लिया और उसमें क्या ली, एक लिक्विड ले लिया,
ठीक है, कोई भी कंटेनर है उसमें लिक्विड लिया है। अब हम ज़रा इसमें लिक्विड है उसको देखते हुए हम समझते हैं। अब इस जो कंटेनर में लिक्विड है इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं, सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं, और किस में, बल्क में मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये बल्क में मॉलिक्यूल हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूँ, दैट इज़ ऑन द सरफेस, अगर सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं इधर वाला अट्रैक्ट कर रहा है, इधर वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको नीचे वाले भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर वाले भी कर रहे हैं, इधर वाले भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें नेट जो फोर्स लग रही है तो कैंसिल आउट हो रही है, इसमें नेट एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। और अगर मैं बल्क के मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो बल्क का मॉलिक्यूल ये वाला हम ले लेते हैं, इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रही है क्योंकि इसके नीचे वाले भी पार्टिकल्स हैं, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। वो आप डिटेल में, आपकी फिजिक्स में बहुत बड़ा चैप्टर है 11th क्लास में ही, तो आपका डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में भी इसमें फोर्स लग रही है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, इस डायरेक्शन में भी लग रही है, ऊपर भी लग रही है, इस डायरेक्शन में, यानी कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है इस मॉलिक्यूल में। इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स है दैट इज जीरो, बिकॉज इसमें हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रही है और वो कैंसिल आउट हो रही है। लेकिन अगर मैं सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो सरफेस के मॉलिक्यूल में एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है क्योंकि इसे ऊपर तो कोई खींचने वाला है नहीं, इसे नीचे की तरफ खींचने वाले लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, नेट डाउनवर्ड फोर्स। और इसी नेट डाउनवर्ड फोर्स को, जो कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे लग रही है, उसी को हम कहते हैं टेंशन क्रिएट हो जाएगी इसमें, इसी टेंशन को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, मान लीजिए एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली सरफेस पर, एक इमेजिनरी यहीं पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली सरफेस पर, इस जो सरफेस की मॉलिक्यूल है इस पे एक इमेजिनरी लाइन पे जो भी फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ, उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात, ये सरफेस टेंशन। तो हाउ विल यू डिफाइन सरफेस टेंशन, सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। सो इट इज़ द फोर्स विच इज एक्टिंग, फोर्स विच इज एक्टिंग, इज एक्टिंग ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स, ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट सरफेस मॉलिक्यूल्स। और ये अप्लाई किसने किया, सर मॉलिक्यूल्स ने किए, फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन सरफेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, हम ब्रैक कॉमा करके लिख सकते हैं, अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, ये फोर्स भी तो मॉलिक्यूल्स ही लगा रहे हैं, अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एक्टिंग, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन, ऑन एन इमेजिनरी लाइन, ड्रॉन ऑन द सरफेस, ड्रॉन ऑन द सरफेस of the liquid, okay? तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। On an imaginary line drawn on the surface of the liquid, let's say एक imaginary line हमने ले ली, उसमें जो भी force लग रही है per unit length, उसी को हम क्या कहते हैं, surface tension, जिसकी unit क्या होगी, force की unit कितनी होती है, newton, और length meter, newton per meter will be the unit of sigma, that is the surface tension। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हर एक, जैसे water के molecules की मैं बात कर रही थी, तो water के molecules में क्या लग रहा है,
जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स में एक टेंशन क्रिएट होती है जिससे वो अंदर के मॉलिक्यूल्स उसे खींचते हैं, और इसीलिए वो अपना लिक्विड, अपना कोई भी लिक्विड है, अपना जो वॉल्यूम है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसलिए वो ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो छोटी छोटी स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स बन जाती है, जैसे ओस की बूंदें पड़ती हैं लीव्स पे, आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी स्फेरिकल की जो ड्रॉप्स होती हैं, स्फेरिकल शेप की ड्रॉप्स होती हैं, क्योंकि स्फेयर में अपना वॉल्यूम क्या कर रही है, वो मिनिमाइज कर रही है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे एक क्या लग रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है, उसी टेंशन को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। नेक्स्ट वन है आपका विस्कोसिटी, नेक्स्ट टॉपिक इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कस मतलब क्या होता है, गाढ़ा, यही होता है। आपने देखा होगा आप वाटर, अगर आप वाटर को फ्लोर पे गिरा दो, या फिर आप हनी ले लीजिए, हनी को फ्लोर पे गिरा दीजिए, तो वाटर तो बहुत तेजी से फैल जाता है, लेकिन जो हनी है वो तो बहुत ही विस्कस सा होता है, गाढ़ा होता है, वो फैलता नहीं है इतने वॉल्यूम में। तो मतलब ऐसा कुछ ना कुछ तो है लिक्विड की लेयर्स के बीच में कि वो रेजिस्ट कर रहा है उसके फ्लो को। वाटर के केस में नहीं कर रहा, वो तो तेजी से फैल जाता है, लेकिन जो आपका हनी है उसमें क्या है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच में, लेयर्स के बीच में, जो दो लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, वो रेजिस्ट कर रहा है उसके फ्लो को। तो इट इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड, दोनों लिक्विड के बीच की, जो अगर मैं दो लेयर की बात करूँ तो उनके बीच में रेजिस्ट करता है उसको वो फ्लो को, यानी कि बचाता है, काइंड ऑफ फ्रिक्शन की तरह एक्ट करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, इस फोर्स को जो रोक रही है किसी भी लिक्विड की एक लेयर को फ्लो होने के लिए, उसी फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। क्लियर हो गया? तो ये विस्कस फोर्स जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? विस्कस फोर्स डिपेंड करती है आपके सरफेस एरिया पे, हम विस्कस फोर्स डिपेंड करती है। मान लीजिए आपका कोई भी, ये क्या है, कोई भी कंटेनर है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है लेयर्स की फॉर्म में, इसको हम लेमिनर फ्लो कहते हैं। जब लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है उस पर्टिकुलर फ्लो को हम कहते हैं लेमिनर फ्लो, मतलब लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करना। ठीक है, तो ये लेट्स से इसका यहाँ से यहाँ तक का एक लेयर का डिस्टेंस एक्स है, तो इसका कितना होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है लिक्विड, तो किस पे डिपेंड कर रही है ये फोर्स? दिस विस्कस फोर्स विल डिपेंड अपॉन दो फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। नंबर वन, पहला है आपका क्या, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लेयर्स, ऑफ द लेयर्स, लेयर्स के एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इन दो लेयर्स में एक दूसरे में कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है उस पे डिपेंड करती है। दैट इज फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नेक्स्ट वन है, सेकेंड वन, जो फोर्स डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट मतलब होता है, अगर किसी भी क्वांटिटी, चाहे आपकी फिजिक्स हो चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस से डिवाइडेड। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजिशन, तो इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एक्स आएगा। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, और फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इट के कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता ईटा आया, और आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, इन दोनों पे डिपेंड करता है इंटू एरिया। ठीक है, ये होती है हमारी क्या, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक्स थे हमारे किसके, सरफे जो आपका लिक्विड स्टेट हमने पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर के हमने सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए। इनका जस्ट अ ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए विस्कोसिटी का और आपका सरफेस टेंशन का, या फिर वेपर प्रेशर का। ठीक है, तो नहीं समझ आया इस चैप्टर में, अगर बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, सारे लॉज हैं, लॉज को न्यूमेरिकल कर लेना, आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो गैशियस स्टेट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, गैशियस स्टेट से आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो वीडियो हमने बनाया है, वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, तब तक के लिए थैंक यू।